हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग गाइस? मैं जो आज की वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मनी प्लांट पर, कि मनी प्लांट को वाटर बॉटल या वाटर में कैसे लगाएं। जैसे आपके पास में अगर कांच का कोई बाउल है, मटका टाइप का, या फिर बॉटल है, या कोई कांच का ऐसी चीज़ है जिसमें आप मनी प्लांट को लगा सकते हैं, तो किस तरीके से लगाना है, चलिए हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास में कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी जिसमें मैं ये मनी प्लांट लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो मनी प्लांट्स के पार्ट्स कराई हूँ मैं, ये पार्ट्स ऐसे हैं कि इनमें हल्की फुल्की रूट है, ऐसा नहीं है कि इनमें बिल्कुल भी रूट नहीं है, चाहे उसमें हल्की सी निकली हुई बिल्कुल छोटी सी। और कुछ मनी प्लांट्स का इसमें पार्ट्स ऐसा भी है जो ड्राई है, ख़राब हो गया, सूख गया है और एकदम बिल्कुल वेस्टेज पार्ट है, जैसे इसमें देख रहे होंगे आप। तो ये मैं छांटूंगी इनको, ड्राई जो पत्ते हो चुके हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, उनको सबको छांटूंगी, छांट छांट कर लगाऊंगी। और कुछ कुछ पार्ट मेरे पास ऐसे भी हैं जिनके काफ़ी अच्छी रूट निकली हुई है। तो आप ये बोतल देख रहे होंगे, केचप का बोतल है, तीन बोतल है मेरे पास में, ये देखिए तीन बोतल है, इनमें मैं इनको लगाने जाऊँगी और इनडोर रखूँगी, बहुत अच्छे भी लगेंगे। आप चाहे तो इसको बोतल को अच्छे से डेकोरेट भी कर लें, मैं भी करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ, जब करूँगी उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं प्लेन वाटर, बस इसमें प्लेन बोतल में ऐसे ही लगा रही हूँ। और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट निकली हुई है। तो ये मैंने पहले से ही लगाया हुआ था, लेकिन इसमें हल्की हल्की ग्रीन कलर की काई टाइप की आ गई है, उसको कैसे हटाएं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये इसके सबके ड्राई पार्ट और वेस्टेज पार्ट में हटा लेती हूँ, और सब में हल्का फुल्का रूट निकला हुआ है, आप देख रहे हो, बिना रूट का कोई नहीं है। और जो ऐसे पार्ट है मैं इनको छांट लेती हूँ सबसे पहले, फिर हम इनको बोतल में लगाने जाएंगे। कट कर लेती हूँ कितना कितना पार्ट्स लगाना है। इन ये जो मनी प्लांट्स के पार्ट देख रहे हैं आप, इसमें से हम बहुत सारे मनी प्लांट्स लगा सकते हैं, यानी 10 to 12 ईजिली निकाल सकते हैं। बट अभी मैं इनमें सिर्फ तीन बोतल के हिसाब से निकालूंगी, क्योंकि अगर इतना सारा कट कर दूंगी तो फिर मुझे मिट्टी में लगाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे मैंने इनको पानी भरा है, लेकिन यहाँ तक भरा है, एकदम बिल्कुल पूरा नेक तक नहीं भरा है। जैसे होता है कि बोतल को पूरा फुल पानी का भर देते हैं उसके बाद में मनी प्लांट्स लगाते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इनमें बीच में गैप छोड़ा है ताकि इनको थोड़ा सा गैप मिले बिना पानी के भी, एकदम बिल्कुल पूरा ऐसा ना। ये देखिए रूट इसमें इतनी अच्छी लगी हुई, तो वहां तक मैंने लीव्स हटा दिया, क्योंकि बोतल में डालूंगी तो वो लीव्स पूरा फोल्ड हो जाएगा, कोई फायदा भी नहीं है और पानी सड़ने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा केयर से मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए पानी बिल्कुल, पानी रूट तक आ रहा है लेकिन पूरा ऊपर तक नहीं भरा हुआ है। उसी हिसाब से मैं तीनों में छांट छांट कर डाल लेती हूँ। अब उसके अंदर में काई ना आए, आपका पानी हरा ना पड़े, ख़राब ना हो, तो वो मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, आप इसको इंडोर रखिए। और दूसरी बात, इसका जैसे स्टार्टिंग में मैं अभी इसको लगाने जा रही हूँ, तो 4 to 5 डेज में इसका पानी एक्सचेंज करते रहना है। जब धीरे धीरे मनी प्लांट और थोड़ी बढ़ जाएगी और टाइम लगेगा मनी प्लांट को, जैसे कि 1.5-2 महीना हो गया है, तब हम 10 दिन में 15 दिन में या महीने में 1 या 2 बार बस सिर्फ उसका पानी चेंज करेंगे। फिर उसके बाद लग रहा है कि मनी प्लांट काफ़ी फैल गया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है उसने, तो उसके बाद सिर्फ हम जब रिक्वायर हो पानी की तभी चेंज करेंगे, अदरवाइज़ फिर रेगुलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो इनको अच्छे से वॉश करके, नीचे से कट करके, ये देखिए मैंने जो ड्राई पार्ट है वो सब हटा के अच्छे से मैंने इनको इसमें लगाया है। और जब ये पूरा ग्रोथ कर देगा तब भी उस पर मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको कि ये कितने अच्छे से ग्रोथ किया है। तो जितना भी ड्राई पार्ट था, मैंने जितना भी सड़ा हुआ इनका लीव्स था, वेस्टेज लीव्स था, वो मैंने सब हटा दिया है और इनको अच्छे से इसमें मैनेज करके लगाया है, ये देखिए। आप भी कोई भी बोतल में लगा सकते हैं, बोतल को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ भी लगा के, जैसे किसी धागे से या रस्सी से या किसी भी तरीके से जैसे आपको अच्छा लग रहा है, इस तरीके से इसको डेकोर कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैं भी इसको करूँगी और वो वीडियो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये बच गया, इसमें रूट भी है तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद इसमें भी लीव्स आने लगेंगी। तो जिनमें भी रूट है वो मैंने सब लगा दिया, और ये जिसमें रूट नहीं है वो मैंने पार्ट सब हटा देती हूँ। ये देखिए मेरी तीन बोतल रेडी हो गई है, देखिए कितनी प्यारी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग में है, लेकिन धीरे 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 और ग्रोथ करेंगे, तो जब पूरे बढ़ने लगेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। और मनी प्लांट तो घर में लगाना बहुत शुभ भी माना जाता है, फॉर मनी के लिए मैनिफेस्ट, मनी मैनिफेस्ट करता है ये। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे